नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जेट इंजन के बारे में। जेट इंजन क्या है, जेट इंजन कितने टाइप्स के होते हैं और जेट इंजन कैसे काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा इंडिया से, और इंडिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मिड फरवरी 2017 में एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि बेंगलुरु देगा इंडिया को फर्स्ट जेट इंजन, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पोयर जेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि R&D फर्म है, वो तैयार करेगा इंडिया के लिए फर्स्ट जेट इंजन को। इस प्रोजेक्ट की तकरीबन लागत है 20 करोड़, इसमें से 9 करोड़ स्पेंट हो गए हैं। इनटेक कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर बलराम ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि हमने फायर किया था जेट इंजन को 8 फरवरी 2017 को, जो कि सक्सेसफुल मिशन रहा है। और साथ ही उसमें और भी कुछ नए काम करना बाकी है, जो 18 से 24 वीक्स के अंदर ये जेट इंजन तैयार हो जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। 3 जेट इंजन होगा, जो कि होगा MGE-20, MGE-40 और MGE-100। लेकिन इन जेट इंजिन में एक और वेरिएंट होगा जो कि फाइनल होगा, उसका नाम है SJE-350, जो कि पावर फाइटर होगा और साथ ही हेलीकॉप्टर के लिए टर्बोशाफ्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे जेट इंजिन क्या है। जेट इंजिन एक मशीन है जो अपने एनर्जी और लिक्विड फ्यूल को कन्वर्ट करता है एक पुशिंग फोर्स के लिए, जो कि जिसे थ्रस्ट भी कहा जाता है। और आगे हम बात करेंगे जेट इंजन और कार इंजन के बारे में कि दोनों में क्या फर्क है। एक रास्ता है जहां आप जा सकेंगे मॉडर्न जेट इंजन और पिस्टन जेट इंजन के बारे में, जो कि एयरप्लेन में यूज होता है, वेरी सिमिलर टू कार इंजन। दोस्तों जो US की जेट इंजन है F119, वो क्रिएट करता है 1,56,000 न्यूटन थ्रस्ट को। दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कार इंजन की तरह ही साइंटिफिक रिएक्शन को यूज किया जाता है जेट इंजन के लिए। जेट इंजन में केमिकल रिएक्शन होता है जिसे कम्बशन कहा जाता है, जिसमें हवा के साथ फ्यूल जलता है और एनर्जी मिलती है आपके प्लेन को, व्हीकल को और भी ऐसी ढेर सारी मशीन को। दोस्तों इसमें भी 3 चीज ऐसी हैं जो जेट इंजन को बनाती है पावरफुल कार इंजन से। उसमें पहला है बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स के आधारित पता चलता है कि जेट इंजन को हर सेकेंड और पावर चाहिए, जिससे हर सेकेंड ज्यादा फ्यूल जलता है। दूसरी बात है जेट इंजन हर बार और हमेशा प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर को। और जो तीसरी बात है वो है जेट इंजन पिस्टन इंजन की तरह नहीं होता। जेट इंजन मल्टीपल टर्बाइन स्टेज में से पास होता है और भी ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट करने के लिए। दोस्तों आगे हम बात करेंगे जेट इंजन काम कैसे करता है, आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे दिया गया है जेट इंजन स्लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड। हवा की वजह से इंजन मूव करता है लगभग 1,000 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से। और दूसरा जो है वो फैन है, ये फैन थोड़ी हवा को इंजन में से सक करता है, जिससे तकरीबन 60% स्पीड कम हो जाती है और तब उसकी स्पीड होती है तकरीबन 400 किलोमीटर प्रति आवर्स। जो तीसरा नंबर का है वो है सेकंड फैन, जिसे कंप्रेसर कहते हैं, जो हवा के प्रेशर को बढ़ाता है तकरीबन 8 गुना। और जो चौथा है वो है लिक्विड फ्यूल, इसमें प्योर केरोसिन का यूज होता है जो कि फ्यूल टैंक के द्वारा इंजन में जाता है। दोस्तों जो पांचवा है वो कंबशन चैम्बर है, जो कंप्रेसर के जस्ट बगल में होता है। केरोसिन हवा के साथ मिक्स होता है और जलता है, इससे हॉट एग्जॉस्ट गैस की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो टेम्परेचर रहता है वो तकरीबन 900 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और आगे जो छठा है वो है टर्बाइन ब्लेड्स, जो कि लंबा सा एक्सल लगा होता है, आप देख सकते हैं, जो कि इंजन को चलाता है। इस एक्सल के साथ कंप्रेसर और फैन भी जुड़ा होता है। आठवा जो है वो एग्जॉस्ट नोजल है, हॉट एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट नोजल से बाहर निकलता है जो जेट को एक्सेलेट करता है और जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति आवर से भी ज्यादा होती है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे जेट्स के कितने प्रकार होते हैं। जो पहला जेट है वो है टर्बो जेट, दूसरा है टर्बो फैन लो बाईपास जेट, तीसरा है टर्बो फैन हाई बाईपास जेट, जो चौथा है वो टर्बो ड्रॉप जेट है, पांचवा जो है वो टर्बो शाफ्ट जेट है, जो छठा है वो है रैम जेट। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो में जान गए होंगे कि जेट इंजन क्या है, जेट इंजन कितने टाइप्स के होते हैं और जेट इंजन काम कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए और आप पूरी तरह से जान जाएंगे कि जेट इंजन क्या है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।